जय हिंद दोस्तों, योर न्यू डायरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप नीट यूजी 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है बिना कोई गलती के हम आपको बताने वाले हैं, एंड कैसे इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे अपलोड करना है, देन मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। देन जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंट्रक्शन खुल जाएगा, इसको आपको केयरफुली फिल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फ़ीस भी दी हुई है। कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 1700 रुपये फीस पे करनी है, जनरल OBC EWS के लिए 1600 रुपये फीस पे करनी है, ST या PWD है तो आपको 1000 रुपये फीस पे करनी है। देन आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे आप इस पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कि क्या क्या साइज़ उसका रहने वाला है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो रंगीन होनी चाहिए। देन 80% आपका चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए और बिना मास्क के होना चाहिए। 6 PG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। देन यहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो भी अपलोड करनी है जिसका साइज़ 4x6 होना चाहिए, एंड दाएँ हाथ की आपकी अंगुली की अंगूठे का निशान भी आपको अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। अगर आपको पढ़ना केयरफुली पढ़ सकते हैं, देन आपको इस पर टिक लगा के क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नीचे पिताजी का नाम डाल देना है, फिर आपको अपनी माता जी का नाम डाल देना है। देन उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक में आपको अपना लिंक फिल कर देना है, एंड राष्ट्रीयता में आप जो भी राष्ट्रीयता हो आपकी वो आप फिल कर दीजिएगा। देन आपके पास ID जो भी हो, यहाँ पे आप इंटर का एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक या नहीं अदर जो भी आपके पास हो सिलेक्ट लीजिए। यहाँ पे मेरे बैंक की पासबुक सिलेक्ट की, यहाँ पे फिर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा ID नंबर डाल देना है। देन आपको अपना पता डाल देना है। देन यहाँ पे आपको अपना देश सेलेक्ट कर लेना है, जो जिस देश से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना देख सकते हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। देन इसको फिल करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं पिन कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ आपको अपना क्षेत्र का पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID डाल के फिल कर लेना है। देन उसके बाद आपका परमानेंट रिश्ता और स्थायी एड्रेस एक ही है तो आपको सेम टिक लगा देना है। देन आपको उसे नीचे करके यहाँ पे अपना पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार बना लेना है। देन उसको अच्छा पर क्लिक करके आपको कैप्चा फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी राष्ट्रीयता भरी हुई है, एंड जिस क्षेत्र से आपने बारीक परीक्षा पास की वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी आपको अपनी डाल लेनी है, जो भी आपकी जनरल OBC ST हो। देन यहाँ पे PW भी है तो यस के लिए नो कर दीजिएगा। यहाँ मधुमेह से संबंधित तो आपको यस करना था ना नो कर दीजिएगा। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो गाँव या शहर से बिलोंग करता है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पारिवारिक आय डालनी है। देन आप अल्पसंख्यक के यस के लिए नो कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आपको निवास का देश डालना है, जिस देश में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपने अगर नीट ड्रेस कोड आप इसके विपरीत भी ड्रेस पहनना चाहते हो आपको यस करते हैं नो कर दीजिएगा। देन आपको तैयारी का तरीका डालना है, आप कोचिंग माध्यम सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, देन आपको कोड डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पेज खुल जाएगा। देन यहाँ पे आपसे आधार कार्ड की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप आधार कार्ड अगर साझा करने के लिए सहमत है तो आप पहला ऑप्शन पर टिक लगा के लगा सकते हैं, अन्यथा आपके आधार कार्ड में फॉर्म में भरी जानकारी अलग अलग है तो आप दूसरा ऑप्शन टिक लगाइए। यदि आप अपना आधार कार्ड साझा नहीं करना चाहते तो आप अपना तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक लगा देना है। चेक बॉक्स में टिक लगाने के बाद आपको कैप्चर फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सेव सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्रेस प्रंत का माध्यम सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जिस बात देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको अपना परीक्षा राज्य जहाँ देना चाहते हैं इच्छुक वहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 फिल करने हैं। देन उसके बाद आपको अपने पिता या अभिभावक का व्यवसाय डालना है, जो भी व्यवसाय करते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद उनका योग्यता डालनी है, जहाँ तक पढ़ाई की हो आपके मम्मी पापा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपनी माता जी का व्यवसाय डालना है, एंड उसके बाद माता जी की योग्यता डालनी है। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप ये आ गया, हाई स्कूल की मार्कशीट। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है, यहाँ पे आप उत्तीर्ण पास कर दीजिएगा, देन किस साल पास किया वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे योग्यता परीक्षा डाल देनी है। उसके बाद स्कूलिंग के तहत गाँव क्षेत्र से शहर क्षेत्र जहाँ से किया वो कर डाल देना। यहाँ पे प्रकार प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, केंद्रीय विद्यालय जो है वो जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ परीक्षा राज्य जहाँ जिस राज्य से आपने पास किया वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको योग्यता परीक्षा यहाँ दे सकते हैं, जिला सेलेक्ट कर लेना जिस जिले में पढ़ाई की हो। देन उसके बाद स्कूल का बोर्ड डाल देना है,
जो भी आपका CBSE UP बोर्ड जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको परीक्षा मोड डालना है, किस मोड में हुआ आपकी परीक्षा हुई है, परसेंटेज या CGPA मोड। देन उसके बाद आप अगर CGPA है तो यहाँ पे आपको CGPA ऑप्टेन एंड CGPA डालना है, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं फिल कर रहा हूँ CGPA मोड। देन अगर परसेंटेज हो तो यहाँ पे आप परसेंटेज सिलेक्ट करके परसेंटेज आपको डाल देना है, एंड आपको ऑप्टेन टोटल मार्क्स डाल देना। देन उसको जितने में से आपका हुआ देन आप यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स फिल कर देने, देन यहाँ पे परसेंट मार्क्स परसेंटेज में अपने आप फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको नीचे दे सकते हैं रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर में आपको हाई स्कूल का रोल नंबर लिख देना है। देन यहाँ पे स्कूल का कॉलेज और पता डाल देना है, एंड कॉलेज पता का पिन कोड डाल देना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यहाँ पे कक्षा 11 की डिटेल फिल कर देनी है, यहाँ पे पास है तो पास कर दीजिएगा। देन जिस साल आपने पास किया वो आपको डाल देना है, योग्यता परीक्षा आपको फिल कर देनी है, स्कूलिंग का स्थान आपको डाल देना है, गाँव क्षेत्र शहर क्षेत्र स्कूल कॉलेज का प्रकार डाल देना है, इस योग्यता परीक्षा राज्य डाल देना है, जिस जिला से आपने पास किया देन आपको जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसका यहाँ स्कूल का बोर्ड डाल देना है, जो भी बोर्ड आपका है यहाँ पे मोड परसेंटेज या CGPA जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको टोटल मार्क्स यहाँ, देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज अपने आप आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर रोल नंबर एंड स्कूल कॉलेज का पता और एड्रेस फिल कर देना है, वहाँ पे पिन कोड डाल देना है। देन यहाँ पे आपको 12 की क्वालिफिकेशन फिल करनी है, अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर पास हैं तो भी आप फिल करना ही है आपको। एंड अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं। अपेयरिंग के लिए यहाँ पे योग्यता परीक्षा क्वालिफिकेशन एग्जाम में आपको कोड 1 फिल करना है, एंड अगर आप पास हैं तो उसके लिए कोड आपका दूसरा फिल होगा आपकी योग्यता के अनुसार, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कोड आपको किस योग्यता में सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड 1, तो आप अगर अपीयरिंग है तो आपको कोड 1 सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर कोड 2 आपने अगर फिजिक्स यहाँ पे दे सकते हैं, 10+2 आपने पास किया आफ्टर 12 साल की स्टडी करने के बाद, 2 ईयर रिपोर्टिंग कंप्लीट एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट है अगर आपको, देन उसके अलावा आप मैथमेटिक्स अदर एनी एक्टिविटी सब्जेक्ट है तो आपको 2 सिलेक्ट करना है। अगर 3 में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर है तो आपको कोड 3 सिलेक्ट करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको 2 सिलेक्ट करना है। एंड 4th में आप दे सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर इसके अलावा इंग्लिश आफ्टर पासिंग के बाद आप हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या प्री यूनिवर्सिटी में आपने कोई कोर्स किया तो आपको वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे 6th में आप भी आप दे सकते हैं BSc एग्जामिनेशन है, इसके अनुसार आपको यहाँ पे कोड फिल कर लेना है। देन मेरा अपीयरिंग है तो यहाँ पे जैसा कि मैं अपीयरिंग सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं अपीयरिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा 3 वर्ड्स आ गया 2023 में है। देन आपको कोड अपीयरिंग के लिए कोड 1 सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्कूलिंग का स्थान आपको गांव क्षेत्र या शहर क्षेत्र वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ स्कूल का कॉलेज का प्रकार डाल देना है, जो भी आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हो, यहाँ पे जिला आपको राज्य डाल देना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आपको योग्यता परीक्षा, देन उसके बाद जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिला सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं स्कूल बोर्ड आपका जो भी हो बोर्ड वो सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन अगर आपका अपीयरिंग है तो यहाँ पे आपका यह परीक्षा मोड आपको फिल नहीं करना है, ये आपका ब्लैंक रहेगा, इसको आपको छोड़ देना है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम और पता डाल देना है, देन आपके पिन कोड डाल देना है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, आप अगर आप जुड़वा भाई बहन है दोनों नीट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इससे पहले कभी नीट परीक्षा में शामिल हुए तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जन्म स्थान फिल कर देना है, देन आपको स्टेट जिस राज्य स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो आपको डाल देना है। देन उसके बाद आपको नीचे दे सकते हैं जिला फिल कर देना है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आप दे सकते हैं सिक्योरिटी पिन डाल देना है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप दे सकते हैं यहाँ पे देश का कोड, आप इंडिया जिस देश से बिलोंग करते हो डाल दीजिएगा, एंड यहाँ पे आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर MLID पेरेंट्स की डालनी है, वो आपको डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पासपोर्ट फोटो बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों अंगूठे के निशान, यानी कि आपके 200 उंगलियों के निशान यहाँ पे अपलोड होंगे, एंड उसके नीचे आपको लिख देना कौन सा आपका लेफ्ट हैंड है कौन सा राइट हैंड है। देन आपको हस्ताक्षर पोस्ट कार्ड साइज फोटो, याद रहे आपकी फोटो पोस्ट कार्ड फोटो के नीचे आपके नाम और डेट ऑफ टेकन फोटो लिखी होनी चाहिए। देन आपको 10वीं सर्टिफिकेट एंड यहाँ पे वर्तमान पता निवास या आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। देन अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये मैंने अपलोड कर दिया है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया, इसको आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा। केयरफुली चेक करने के बाद आपको यहाँ मेरा नाम, पिता, माता, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम, परीक्षा शहर एंड शैक्षणिक विवरण, संपर्क करने का विवरण,
एंड दस्तावेज, इन सभी में आपको टिक लगा देना है। एंड उसके बाद आई एग्री पे टिक लगा के फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई भी आपको लग रहा गलत फील हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप पे एग्जामिनेशन फी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट खुल जाएगा, इस पर ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड पेमेंट कर देना और यहाँ पे ओके कर देना। आपको ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एंड यहाँ पे SBI कैनरा जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस पर टिक लगा के आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। जैसे आप टिक लगा के प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन खुल जाएगा, आप जिसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, मैंने मुझे जैसे कि डेबिट कार्ड से करना है, मैंने उस पर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको डिटेल मांगेगा। देन आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड कार्ड होल्डर नेम एंड CVV एंड कैप्चा फिल करके पे कर देना है। पे करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद देन आपको फाइनल कन्फर्मेशन डाउनलोड पेज अप्लीकेशन का निकाल लेना है। देन यहाँ पे आपका फॉर्म कम्प्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। देन एंड ऐसी तरह की जानकारी जानने के पाने के लिए आप वीडियो से बने रहिएगा। देन दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।